हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी ब्लूमिंग आई हुई है चंपा के प्लांट में। ये रेड चंपा का है, इसे प्लूमेरिया बोलते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा बंच खिला हुआ है, बिल्कुल रेड कलर का। बहुत मेरे हाइट से काफ़ी ऊंचा है ये। और इधर भी इसमें देखिए फ्लावर खिलने लगे हैं इस बंच में भी। तो अभी कम खिले हैं अभी, बट भी आप देख रहे हैं, पर सबसे ज़्यादा बहुत ही प्यारा सा बंच इसके अंदर आया हुआ है। तो ये मेरा सेकंड चंपा का प्लांट है, ये फर्स्ट चंपा है। तो ये भी रेड है, पर इसको बंदर ने तोड़ दिया था, तो अभी इसमें कोई भी बर्ड नहीं आई है। पर इसमें बहुत ही प्यारा सा फ्लावर खिला हुआ है। और इधर आप देख सकते हैं ये येलो चंपा है, तो इसमें भी एक बंच आया हुआ है। इसमें आई तो थी कलियाँ, बट बंदर तब तोड़ के चले गए, तो एक ही बचा है। तो बंदर बहुत नुकसान करते हैं, पर आप फ्लावरिंग देखिए बहुत ही खूबसूरत सी हो रही, तो मैंने कहा चलिए आपसे शेयर करती हूँ। तो बहुत सुंदर सी ब्लूमिंग के साथ है। तो इसमें स्लाइटली फ्रेगनेंस होती है, ज़्यादा फ्रेगनेंस नहीं होती है, लेकिन जब आप पास से जाएंगे तो हल्की हल्की स्मेल करता है। पर ये बहुत ही कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये रेड का और येलो का भी है और वाइट भी खिल रहा है। तो चलिए आपको वाइट भी दिखा देती हूँ। और ये वाइट फ्लावर वाला चंपा है, तो ये भी बहुत अच्छे से खिल रहा है। इसमें भी दो फ्लावर बड आए हैं, मतलब दो फ्लावर बंच आए हैं। तो ये एक बंच आप देख सकते हैं, तो कल काफ़ी बारिश हुई थी। और इधर भी आप देख सकते हैं, इधर भी एक बंच आया हुआ है। तो ये भी बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने इसे कई प्लांट बना रखे हैं। तो एक बड़े हाइट वाला भी आपको दिखा देती हूँ, उसमें भी बंच आया हुआ है फ्लावर बंच। तो ये आप देख सकते हैं, ये बड़ी हाइट वाला है, इसको मैंने काफ़ी बड़ा पॉट दिया है, इसमें सन फ्लावर भी निकला हुआ है। तो इसमें ये आप देख रहे हैं बंच आया हुआ है, और पीछे आप रेड भी देख सकते हैं, येलो भी देख सकते हैं। तो मेरे यहाँ तीन शेड के चंपा के प्लांट यानी प्लूमेरिया के प्लांट हैं, और तीनों में अच्छे से फ्लावरिंग चल रही है। और वाइट के भी मैंने कई प्लांट बनाए हैं, रेड के भी कई प्लांट बनाए हैं, येलो के भी बनाए हैं। ये भी येलो वाला है, तो इसमें भी कोई बर्ड नहीं आई है। और इसका एक छोटी मैंने कटिंग बनाई है, उसमें बर्ड आ गई। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने एक छोटी कत्ते की स्टिक लगाई थी, ये बंदर तोड़ गए थे, तो मैंने फिर बाद में इसको लगाया था। तो ये डेवलप हो गई, और इसमें भी आप देख रहे हैं न्यू बर्ड आ गई हैं, ये येलो का है। तो अभी मेरा फिर से ही पिंक ने ही खिलना स्टार्ट किया है। तो बीच में अभी बारिश हुई थी, कल परसों काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी, तो फिर से पिंक ने फ्लावर बड आप देख सकते हैं काफ़ी दे दी हैं। तो ये बहुत अच्छे से खिली हुई है। तो रेड लिली बहुत अच्छे से खिलती है, ये एक परमानेंट प्लांट होता है। कहते हैं कि आप इसको अभी भी लगा सकते हैं अगर आपको बल्ब मिल जाए, या इस समय अगर आपको रिपोर्ट करना है तो आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये इसका खिलने का समय जून होता है, पर इसको बारिश का पानी मिल जाता है तो ये ब्लूम करने लगती है। क्योंकि इसमें मेरे पॉट में मैच्योर बल्ब लगे हैं, इसी वजह से इसमें काफ़ी आप बर्ड्स देख सकते हैं, हर एक पॉट में काफ़ी अच्छी सी बर्ड्स आ गई हैं। तो काफ़ी अच्छे कलर्स भी इसके अंदर आते हैं। मेरे पास सिर्फ इसमें तीन ही शेड हैं, एक वाइट और येलो शेड है। तो इनमें बल्ब बनते हैं और येलो में बीज भी बन जाते हैं, तो आप बीज से भी इनको लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मेरा चंपा की ब्लूमिंग चल रही है। तो रेड की भी आप देख सकते हैं, येलो की भी देख सकते हैं, वाइट की भी देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे से मेरे गार्डन में इस समय चंपा की ब्लूमिंग चल रही है। फिलहाल आप पूरा गार्डन इस तरह से देख सकते हैं। मैंने कोचे के भी कुछ प्लांट लगा दिए हैं, तो अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और सूरजमुखी तो वैसे भी बहुत खिल रहे हैं, बहुत खिलते हैं ये सनफ्लावर के प्लांट। और इधर भी मैंने एक लगा रखा है इस मेज के ऊपर, तो ये मेज मैंने एक कॉफ़ी टेबल बनाई है। तो जल्दी इस पर भी मैं एक वीडियो आपको ज़रूर दूँगी, अभी एडिटिंग करनी बाकी है उसके अंदर। तो फिलहाल कुछ इस तरह से ब्लूमिंग चल रही है, वाइट चंपा में भी आप देख सकते हैं। तो एक खूबसूरत सा व्यू मेरे गार्डन की ब्लूमिंग का, चंपा की, जो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।